हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल ऐसा क्यों में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बफरिंग के बारे में, और आज हम बफरिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने बफरिंग को एग्जांपल देकर भी समझाने की कोशिश करी है। चलिए दोस्तों बफरिंग को पढ़ लेते हैं। बफरिंग को जानने से पहले हमें बफर पता होना चाहिए। बफर क्या होता है? यह एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है मेन मेमोरी में। इसे हम टेम्परेरी स्टोरेज का यूज़ डेटा को टेम्परेरी तौर से स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब भी डेटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र होता है तब टेम्परेरी तौर से बफर में कुछ समय के लिए स्टोर हो जाता है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफ़र होना, इसका मतलब यह है कि इंटरनेट से डेटा आपके कंप्यूटर तक आना या फिर किसी डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाना या फिर किसी डिवाइस से किसी दूसरी एप्लीकेशन तक जाना। कंडीशन कोई भी हो सकती है। अब बात यह आती है कि जब भी डेटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है, या हम कह सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा जाता है, तो बफर में टेम्परेरी तौर से क्यों स्टोर होता है? चलिए समझते हैं। क्योंकि एक डिवाइस की स्पीड हाई हो सकती है और एक डिवाइस की स्पीड स्लो हो सकती है। जब भी कोई डिवाइस डेटा सेंड करता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, उन दोनों की स्पीड में मिसमैच ना हो इसलिए बफर का यूज़ किया जाता है। सपोज़ कीजिए कि एक डिवाइस की स्पीड काफ़ी हाई है और एक डिवाइस की स्पीड काफ़ी स्लो है। हाई वाली डिवाइस से जब भी डेटा स्लो वाली डिवाइस पे जाता है, यानी कि स्लो वाली डिवाइस पे रिसीव करने की क्षमता उसकी स्लो है, तो सबसे पहले वो फास्टली बफर में टेम्परेरी तौर से स्टोर हो जाता है, और वो डिवाइस अपने बफर से अपनी स्पीड के हिसाब से उस डेटा को रिसीव कर लेता है। बात करें इसके रिवर्स कंडीशन की, तो सेंडर की स्पीड डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्लो होना और रिसीवर की स्पीड डेटा रिसीव करने की सेंडर के मुकाबले काफ़ी फास्ट होना, तो इसे हम आपको एक एग्जांपल देके बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कभी ना कभी यूट्यूब पर वीडियो देखी ही होगी। अगर आपका इंटरनेट काफ़ी फास्ट है तो आपको वीडियो देखने में कभी भी बफरिंग का साइन नहीं आया होगा। अब बफरिंग का साइन जब आता है जब आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है, वहाँ से डेटा बिट और बाइट्स में आता है या स्लो है इंटरनेट की स्पीड, तब ऐसी कंडीशन आती है। स्लो इंटरनेट में क्या होता है? जब भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखने जाते हो तो बफरिंग का साइन आता है। इस बफरिंग के साइन का मतलब यह है कि डेटा इंटरनेट से पहले ही कुछ डेटा प्रीलोड कर लिया जाता है बफर में। 15 या 30 सेकंड का डेटा स्टोर होने पर बफर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होने पर आप तक रन होने के लिए ट्रांसफ़र हो जाता है। और इंटरनेट की स्पीड तो स्लो है, वो बिट और बाइट्स में अगर डेटा दे रही है तो वो जाके धीरे धीरे आपके बफर में स्टोर होता रहता है। और जब तक आप 15 या 30 सेकंड की वीडियो देखते हो और फिर तक उसमें 30 सेकंड या 15 सेकंड का फिर से डेटा हो जाता है, फिर वो डेटा आप तक फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर आप 15-30 सेकंड का देखते हो, तो ऐसा लगता है यूज़र रिस्पांस टाइम इससे अच्छा होता है कि स्लो इंटरनेट होने पर भी बफर के कारण आपको अच्छा रिस्पॉन्स टाइम मिलता है वीडियो देखने का। अगर वहाँ पर बफर ना हो, अगर बिट और बाइट्स में डेटा आ रहा है, तो आपको वीडियो ऐसे लगेगी जैसे स्लो मोशन में चलती हुई, जैसे कि 1 सेकंड की चली और फिर बंद, 2 सेकंड की चली फिर बंद, तो ऐसे वीडियो में रिस्पांस टाइम अच्छा नहीं रहता। इसलिए जब भी इंटरनेट की स्पीड स्लो होती है तो आप जब भी यूट्यूब वीडियो को चलाते हो तो वो प्रीलोडेड डेटा पहले ही, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा पहले ही बफर में स्टोर होता है धीरे धीरे, और जब तक बफर में सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो रहा होता है तो आपको एक बफर का साइन आपकी स्क्रीन में दिखता है। अब हम मैं आपको बता दूं बफर और बफरिंग में क्या अंतर। बफर यानी कि एक स्टोरेज एरिया है, उसमें डेटा स्टोर हो रहा है
जो आपको बफरिंग का साइन दिखाई देता है, यानी कि डेटा अब तक आ रहा है। एक्ट ऑफ स्टोरिंग डेटा इनटू बफर, इट्स कॉल्ड बफरिंग। डेटा जो भी स्टोर हो रहा होता है बफर में, वो टेम्परेरी तौर से थोड़ी देर के लिए ही स्टोर होता है, वो प्रोसेस होने के बाद नया डेटा उसमें आता है। अगर हम बात करें कि इंटरनेट की स्पीड काफ़ी फास्ट है और आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, तब वीडियो के नीचे जो टाइम बार होता है कि आपने वीडियो कितनी देखी, तो उसके जस्ट नीचे एक वाइट कलर की पट्टी होती है, और जितना आपने वीडियो देखी होती है टाइम बार में, तो वो रेड कलर की पट्टी से दर्शाई होती है, और जो नीचे जस्ट उसके नीचे वाइट कलर की एक पट्टी होती है, वो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक ही वो आपकी आगे बढ़ती जाती है जब भी इंटरनेट फास्ट होता है। वो यानी कि उसका मतलब ये है कि वो डेटा बफर में फास्टली स्टोर हो रहा है और आप नॉर्मली अपने हिसाब से वीडियो देख रहे हो। टाइम बार में जो रेड कलर का लाइन है आपने वीडियो कितनी देखी, और जो वाइट कलर की लाइन है वो बफर में डेटा प्रीलोड डेटा है जो स्टोर होता है, इसलिए आपको उसमें बफरिंग का साइन नहीं दिखाई देता। जब भी फास्ट नेट होता है तो वीडियो देखते समय आपको बफरिंग का साइन नहीं दिखाई देगा। अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है, आप वीडियो देख रहे हो और बफर में डेटा है नहीं, तो आपको एक बफरिंग का साइन दिखाई देगा स्क्रीन में। उससे हमें पता चलता है कि डेटा बफर में, सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा बफर में स्टोर हो रहा है, और स्टोर होने के बाद आप तक रन होने के लिए आ जाता है। सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा आपके बफर में स्टोर नहीं हुआ है, इसलिए उसमें बफरिंग का साइन आता रहता है वीडियो में। ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन प्रकार के बफर होते हैं, सिंगल बफर, डबल बफर, सर्कुलर बफर। वन बाय वन अच्छे से इन्हें समझ लेते। सिंगल बफर में क्या होता है, जब भी कोई डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, आपको तो पता ही है बफर का यूज होता है, ठीक है। अब सिंगल बफर को हम समझते हैं, सपोज कीजिए कि आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस से कुछ भी डेटा आपके यूजर प्रोग्राम को चाहिए, तो जब भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइस से, कीबोर्ड से, माउस से जो भी डेटा आप सेंड करोगे, वो सबसे पहले एक सिस्टम बफर में जाएगा, यानी कि सिंगल बफर, इसे हम सिस्टम बफर कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो सिस्टम बफर से सीधा यूजर प्रोग्राम में जाएगा, जो भी आप स्क्रीन में यूजर प्रोग्राम यूज कर रहे हो उस तक जाएगा, ठीक है। अब डबल बफर में क्या होता है, जब भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा सेंड करते हो, तो इसमें दो बफर होते हैं, सिस्टम बफर वन, सिस्टम बफर टू। तो सबसे पहले सिस्टम बफर वन पे जाता है डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से, फिर टू पे जाता है, फिर जो भी आप यूजर प्रोग्राम यूज कर रहे हो तो उस पे जाता है। और अब बात करें सर्कुलर बफर की, तो सर्कुलर बफर में क्या होता है, कोई भी आप ऐसा प्रोग्राम यूज कर रहे हो जिसमें आपको लगातार बिग अमाउंट में डेटा आपको चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम सर्कुलर बफर का यूज करता है। तो इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा बफर होते हैं सर्कुलर बफर में। जब भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा सेंड करते हैं लगातार बड़े अमाउंट में, तो ये सबसे पहले सिस्टम बफर वन पे जाता है, फिर टू पे जाता है, फिर थ्री पे जाता है, ऐसे फोर पे जाता है, ऐसे करते करते जब लास्ट बफर आता है, तो लास्ट बफर के बाद वो यूजर प्रोग्राम के पास चला जाता है,